आज ग्रेवी वाला भिंडी बनाएंगे। ग्रेवी वाला भिंडी बनाने के लिए भिंडी को ऐसा धो के पोंछ के ऐसा काट लिया है। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, राई, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, बेसन, स्वाद अनुसार नमक। टमाटो को ऐसा पीस के लिया है, दो तीन टमाटो, कस्तूरी मेथी, कड़ी पत्ता, हरी धनिया, अभी इसको बनाने का विधि को देखते हैं। भिंडी में पहले थोड़ा नमक डाल रही हूँ। बेसन, 1 चम्मच बेसन, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 स्पून, इसको हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। जैसे भिंडी को कोटिंग होता है ना, ऐसा मिला लेंगे। कढ़ाई रखकर तेल डाल रही हूँ, थोड़ा गरम होवे तेल। अभी भिंडी जो मिक्स किया है ना, वो भिंडी इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसको ऐसा भून लेते हैं तेल में। सेवेंटी परसेंट भिंडी इसी में ही पक जाना चाहिए। ऐसा भूनते हैं, देखिए कितना अच्छा ये भून रहा है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। मीडियम आंच में इसको भूनना है। देखिए भिंडी का कलर चेंज हो रहा है। देखिए कितना अच्छा भिंडी भुन गया है। ये बहुत अच्छा रहता है। अब ये भुन गया है, इसको एक थाली में मैं निकाल रही हूँ। अभी उसी कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल के, ऑयल गरम होवे, राई, कड़ी पत्ता, अदरक, इसको थोड़ा ऐसा मिला लेते हैं। जो मिक्सी करके रखा है ना टमाटर की प्योरी, वो भी इसमें डाल रही हूँ। हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे। देखिए कितना अच्छा पक रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ ऑप्शनल है, चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किट कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से पकाएंगे। देखिए तेल छूट रहा है। जो बुना था ना पहले भिंडी, वो इसमें ऐड कर रही हूँ।
इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी, एक कप जितना पानी इसमें डाल रही हूँ। देखिए कस्तूरी मेथी को थोड़ा ऐसा स्मैश करके डाल रही हूँ। थाली ढक करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, कितना अच्छा ग्रेवी वाला भिंडी बन गया है। ये चपाती के लिए, चावल के लिए, इडली के लिए, डोसा के लिए अच्छा रहता है। इसको सर्विंग बाउल में निकाल के धनिया का पत्ता गार्निश के लिए डाल रही हूँ। देखिए ग्रेवी वाला भिंडी रेडी।